बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आज आपको लगते हैं, जिनके ट्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं, उन्होंने भी सीखा है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी जी ऑन स्क्रीन लाइव में जरा बिफोर एंड आफ्टर। ये देखें आयजा, आयजा की ये पुरानी पिक्चर है, आयजा बहुत प्यारी है शक्ल उनकी, वही नकबूश है, लेकिन आयजा का मेकअप, उसकी ग्रूमिंग, अब अगर आप देखें, अब अगर आप आयजा को देखें तो उम्र के साथ भी और ग्रूमिंग के साथ भी आयजा हसीन तरीन होती थी, माशाल्लाह। तो आप वो देखे ना, अब ये देखे, ये नीलम मुनीर, आप कोई सोच सकता है कि ये नीलम की पुरानी पिक्चर है। सो नीलम ने भी अपने आप को वक्त के साथ साथ ग्रूम किया। आज की अगर आप नीलम की पिक्चर दिखाएंगे तो ये देखे, ये नीलम है, मतलब इसको कहते हैं कि वक्त के साथ ये और हसीन हो जाते। ये देखे ना, हाँ, अब ये है हमारी महविश हया, सबके अंदर चेंजेस आती है, महविश ने भी अपने आप को, वही बात है, ये पुरानी तस्वीरें हैं और हम सब की वही लोग, पतली आईब्राउज और यू नो वो जो एक काजल टाइप आंखें लाइट हुई, हमें सब लोग कहते हैं आप लोग पहले ज्यादा अच्छी होंगी, मैं कहा नए पहले बहुत खराब थे, अब ज्यादा अच्छे हो गए। कभी देखे ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आता है कि हम क्या करें। अच्छा रीमा जी तो पहले भी अच्छी थी, मुझे लगता है डॉल लग रही है, ओफ हसीन तरीन, माशाल्लाह। देखे देखे वक्त के साथ इन्होंने आपको ढलने नहीं दिया, इनको अपने हिसाब से, अब मैं अगर रीमा, she is more sophisticated, जरा मैं रीमा जी को देखती हूँ तो ये सॉलिड प्लेन कलर्स पहनती है, ज्यादातर आप इनको प्रिंट में नहीं देखेंगे, सॉलिड प्लेन कलर्स पहनती हैं, जिस तरह का ये मेकअप करती हैं, बहुत लाउड मेकअप नहीं करती, एक ही बड़ा सटल सॉफ्ट, पहले शायद इन्होंने लाउड भी किया होगा। उमैमा मलिक को देख लें आप, टीनेजर है उमैमा, ये टीनेजर है, टीनेज की अपनी ब्यूटी होती है, लेकिन अब अगर आप उमैमा को देखें, शी इज वेल ग्रूम्ड, अब देखिए मतलब थोड़ी सी अभी वो वेट पुट ऑन कर लिया, लेकिन ये उससे पहले तक इसको आता है कि मैंने कैसे कैरी करना है अपने आप को, तो सब सीखते हैं वक्त के साथ। ईमान अली तो मतलब पहले भी लगता था कि सीखी सिखाई है, बहुत मुश्किल से उसकी एक तस्वीर मिल पाई है, लेकिन ईमान को पता है कि उसको कैसे लेके चलना है अपने, और आज ईमान अली क्या है देखे, ये देखे माया अली, अच्छा ये तो बेबी लग रही है, यहाँ पे छोटी है 15 साल की, आप सोचे मैं नहीं पहचानती तुमने। माया जो है मेहनत करती है अपने ऊपर, वो जिम रोज जिम जाती है बंदी, खाने के लिए उसने फुल स्टॉप लगा लिया, क्योंकि माया की देखो टेंडेंसी है, ये नहीं है उसके गाल मोटे, बहुत दुबली हो गई है, क्योंकि माया इतना हार्डवर्क करती है जिम में भी, खाती पीती भी ज्यादा नहीं है, ना पंजाब में रह के अपना दिल मारना एक बहुत बड़ी चीज है। सो हर कोई वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है, मैंने माया के पुराने मेकअप्स भी देखे हैं, बिल्कुल वो लाउड मेकअप होते, ये तो अभी नई है, लाउड मेकअप होता था, माया ने भी बहुत गलतियां की हैं, और अब बहुत सोफिस्टिकेटेड मेकअप, आप सबा को देखें, ये सबा पुरानी सबा है, ये कहां से मिली तस्वीर, ये आप इंटरनेट पे देखें है ये सारी तस्वीरें, और अब रीसेंट सबा को देखें, सबा को ज्यादा मेकअप चाहिए ही नहीं होता, धुले हुए मुंह के साथ ये ड्रामे में आ जाती है, क्योंकि इनके नकुश इतने प्यारे हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं, इनकी स्किन इतनी प्यारी है, इनको भी बाद में समझ आया कि ये आयशा उमर को देखे कोई यकीन करेगा कि ये आयशा, हालांकि आयशा खूबसूरत थी प्यारी थी, लेकिन ज्यादा मेकअप हुआ हुआ है, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब आप देखें ये वही आयशा है, वो उसका टीनेज और छोटी हो गई जी, दुबली पतली और वेट बड़ा, ये देखो उरुसा, उरुसा भी सारा मेकअप कर लेती थी, खैर अभी भी सारा मेकअप कर लेती है उरुसा, मगर फिर भी उसमें चेंज आ रहा है, ये देखो कि देखो कितना डिफरेंस है, मॉडर्न हो गई, क्योंकि वेट कम किया, वेट कम करने से मेकअप भी फर्क आता है, आपकी ग्रूमिंग से भी फर्क आता है, आप उर्वा और मावरा को देखेंगे, फिर तो पहले मेकअप करती थी, मगर अब इनका चेहरा धुला हुआ होता है, इनको पता है कि हमारे फेसेस पे ज्यादा मेकअप नहीं करते, सही है, और उर्वा ने शादी में भी अपना आई मेकअप ज्यादा नहीं किया, वैसे किरण है उसको पता है, पुरानी तस्वीर दिखा के ज्यादती कर रहे हो तुम लोग इन दोनों के साथ, यार हमने अपनी भी दिखाई है, पहले हमने अपनी बुराई की है फिर, और लेकिन ये तो पुरानी अच्छी लग रही है, ये भी रीसेंट है, बहुत ज्यादा न्यू नहीं है तस्वीरें, नहीं ये इन लोगों की, ये तो पुरानी है, ये बहुत, ये भी पुरानी है, ये पुरानी है, और जब ये पतली हो गई है, मेरी टीम को नहीं मिली जब ये बल्की थी, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत की है, डाइटिंग की है, ये इनकी फैमिली टेंडेंसी है मोटापा।